हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आपको परसेंटेज करा रहा हूँ, जिसके मैंने आपको 7 पार्ट कंप्लीट करा दिए, 7 पार्ट उसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर है 8। पार्ट नंबर है 8। मैं आपको सभी टॉपिक बिल्कुल लाइन से करा रहा हूँ। पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम कराया था, जिसके मैंने 10 पार्ट करा दिए। जिसने अभी नहीं देखे वो देख सकता है जाकर, चैनल पर जाकर। फिर मैंने शुरू करा था परसेंटेज, परसेंटेज के मैंने आपको 7 पार्ट करा दिए थे। अब आज हमारा है 8वां पार्ट। मैं आपको सभी के 10 पार्ट तो लेकर आऊँगा कम से कम। अगर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं तो उसका मैं ज़्यादा पार्ट भी ले आऊँगा, पर आपको कंप्लीट कराऊँगा। मुझे सिलेबस कंप्लीट ये नहीं है कि 2 महीने में कंप्लीट कराना है, मुझे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और तभी आगे बढ़ना है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा एक एक चीज़ का, तब मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम के आपको 10 पार्ट कराए थे, तो सारे क्वेश्चन करा दिए थे उसमें, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। यूनिट डिजिट के, नंबर ऑफ जीरो के और बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब डिविजन रूल सब कुछ करा चुका हूँ मैं। उसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई हैं और शाम को मैं आपको लिए कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी लेकर आ रहा हूँ, जिसके मैंने 2 पार्ट करा दिए। मैंने नंबर सीरीज की भी 2 पार्ट करा दिए, DI भी मैंने आपको करा दिए। तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ करा रहा हूँ एक साथ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक करिए और शेयर करिए। सबसे पहले आपको ये काम करना है, क्योंकि ये करने से हमें मिलता है मोटिवेशन। अगर हमें मोटिवेशन मिलता है तो हमें और अच्छा लगता है आपके लिए वीडियो बनाना। हमारा मोटो जो है, केवल हमारा जो एजेंडा है आपका सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो हमें, अगर थोड़ा सा भी यहाँ से आपको मान ली 25% भी यहाँ से फ़ायदा हो गया इस चैनल से, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं 25% तो योगदान दिया आपके सिलेक्शन में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए आज के चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है इसमें, किसी संख्या का 65%, किसी संख्या का 65% जो है उसी संख्या के 3/4 से 21 कम है। कितना कम है? 3/4। अब आप फ्रेंड्स बताइए 3/4 कितना होता है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। आज तक तो मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 3/4 की क्या होती है। आपको नहीं निकालनी आती तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ठीक है, 4 से काटेंगे जब इसका जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 बार, तो कितनी हो जाएगी 75%। कितनी हो जाएगी हमारी 75%। तो हमारी 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी हमारी 75%। अब वो क्या कह रहा है, इस नॉनर डिफरेंस, मतलब किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 3/4 से 21 कम है। मतलब ये कितना है हमारा, 21 कम है, तो हम 21 इसमें जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि 75% माइनस 65% हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर। 75% माइनस 65% किसके बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी, 21 के बराबर। 10% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 21 के बराबर। अब 10% की वैल्यू 21 के बराबर होगी तो हमें क्या निकालनी, संख्या। संख्या क्या होगी अपने आप में, 100%। 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसमें 10 का गुणा हो रहा है तो इसमें 10 का गुणा कर दूँ, क्या हो जाएगी, 210 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आएगा। आपको कॉपी पेन पे इतना नहीं करना है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसे अपने माइंड में कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सोचते हैं आप 3/4 कितना होता है, 75%। 75% माइनस 65% 10%। 10% इक्वल टू 21, 100% इक्वल टू 210। तो आप अब ये अपने माइंड में भी कर सकते थे इस सवाल को, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो माइंड में सवाल करेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि परसेंटेज जो होता है, मैंने आपको पहले बताया था, एक बैकबोन मान लीजिए अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक का क्या होता है, बैकबोन होता है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपके सारे टॉपिक अच्छे हैं आपका। अब आगे क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, उसके बाद CI आएगा, फिर आपके बाद SI आएगा, मिक्सचर एलिगेशन आएगा। तो बहुत सारे चीज़ों में परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी हमें। सिंप्लीफिकेशन में तो बहुत ज़्यादा, बैंक की जो सिंप्लीफिकेशन सवाल आते हैं कैलकुलेशन में, उसमें तो परसेंटेज एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हैं तो आप बहुत अच्छे से परसेंटेज को सॉल्व कर सकती हैं। इसलिए परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले याद करिए। मैंने आपको कल फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट भी दिया था, तो आपने उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर याद कर ली होंगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 सही 2/3% जोड़ा जाता है
तो वह संख्या 3900 हो जाती है। तो हमारी ओरिजिनल नंबर निकालना है, हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर। सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें कह रहा है, अब हम सबसे पहले, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारा काम क्या है, परसेंटेज वैल्यू जहाँ भी दिखे उसे किस में बदलना है, फ्रैक्शन वैल्यू में। अब 66 होल 2/3 की परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है? 33/1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 1/3 कितनी होती है, 1/3। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये इसका क्या है, डबल है। यह इसका क्या है, डबल है। देखो 33 का डबल क्या है हमारा, 66, और 1/3 का डबल क्या है, 2/3। तो 1/3 का डबल क्या हो जाएगा, 2/3। तो 66 होल 2/3 की परसेंट की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2/3 हो गई। क्या हो गई हमारी, 2/3 हो गई। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है सवाल में, यदि किसी संख्या में उस संख्या का इतना जोड़ा जाता है तो वह संख्या 3900 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर तो हमारा 3 है, ओरिजिनल नंबर तो हमारा 3 है, ठीक है। अब 3 में क्या जोड़ा जाता है, 66 होल 2/3% जोड़ा जाता है, मतलब 2/3 जोड़ा जाता है। अब 3 का 2/3 क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या होगा, 2 जोड़ा जाता है। तो देखिए 3 में क्या जोड़ा जा रहा है, 3 में क्या जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये चीज़। हमारा जो 2/3 था, जो 66 होल 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 3 तो ओरिजिनल नंबर था और 2 उसमें क्या करा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तब जाके कोई चीज़ बन रही है 3900, क्या बन रही है, 3900। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ मैं आपके। 3 में क्या जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है, तब जाके बनना है 3900। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो गई हमारी, 3900 के। 5 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 3900 के बराबर हो गई। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 5 से कितनी बढ़ जाएगा, 5 7 35, 4 बचे 780 आ गया। क्या आ गया, 780 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा, 3। ओरिजिनल नंबर तो हमारा 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, 3 का 0 में कर 0, 3 8 24 का 4, कैरी 2, 3 7 21 और 2 23। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2340। क्या हो गया हमारा, 2340। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार देखिए, यदि किसी नंबर में हम क्या जोड़ रहे हैं, 66 होल 2/3% जोड़ रहे हैं, मतलब 2/3 जोड़ रहे हैं, क्या 2/3 जोड़ रहे हैं हम। तो ओरिजिनल नंबर तो हमारा 3 है, और जोड़ के आ रहे हैं हम उसमें 2 जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2/3 का, वो सॉरी 3 का 2/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 में क्या ऐड कर रहे हैं, हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है हमारा, 3900। तो हम यहाँ से 5 बराबर इतना हो गया, 1 बराबर इतना हो गया, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 3, तो हमने 3 निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये चीज़। अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आपको अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा वाला, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें, शेयर कर दें। अगला सवाल देखिए, इफ 96 इज एडेड इन अ नंबर, देन नंबर बिकम्स 157 होल 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, पहले से थोड़ा अलग है, अब पहले से थोड़ा अलग है, पहले से थोड़ा क्या अलग है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सही है तो कोई भी क्वेश्चन हो, बैंक का क्वेश्चन हो, LIC का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका SSC का क्वेश्चन हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, कॉन्स्टेबल का हो, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो चीज़ बताई है वही चीज़ करेंगे, इस फ्रैक्शन वैल्यू क्या करेंगे हम, इसको इसको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। अब आपको मैंने बताया है 157 होल 1/7 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पहले निकाल के दिखाई है, एक बार और निकाल के दिखा रहा हूँ। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 100% प्लस 57 होल 1/7%, ठीक है। अब 100% की क्या होती है, एक, इसकी आपको पता ही है कितनी होती है, 4/7। 57 होल 1/7% की क्या होती है, 4/7। नहीं पता तो याद कर लीजिए, 7 × 7 और 4 कितना हो गया, 11/7। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 11/7 हमने लिख ली। फिर यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, 11/7। अब वो क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप में 157 होल 1/7% जोड़ी जाती है, हो जाती है। कितना जोड़ा जाता है, 96 जोड़ा जाता है। उनके अकॉर्डिंग तो 96 जोड़ा जाता है,
पर हमारे अकॉर्डिंग कितना जोड़ा जाता है, 4। हमारे अकॉर्डिंग तो 4 ही जोड़ा जा रहा है, 7 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है, पर उनके अकॉर्डिंग कितना जोड़ा जा रहा है, 96 जोड़ा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जो 4 की वैल्यू है हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 96 के बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 96 के बराबर हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। तो 7 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 24। तो 7 की वैल्यू क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 4 28 का 8 कैरी 2, 7 2 14 168। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 168। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी ये चीज़। अगर आपकी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए जल्दी से और शेयर करिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इफ रेडियस जो होती है सर्कल की वो कितनी बढ़ा दी गई है, 25% हमारी इंक्रीज कर दी गई है, क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, तो एरिया में क्या चेंज जाएगा वो निकालना है हमें। बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखिए एरिया क्या होता है आपका, हमारा जो सर्कल का एरिया होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इतना होता है आपका। सपोज करिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सपोज क्या करिए होती है, 1/4 होती है, क्या होती है, 4 होती है। तो हम इसमें कह रहा है कि जो पहले रेडियस थी 4 थी, पहले रेडियस कितनी थी, 4 थी, अब कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 5 हो गई, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। तो अगर हमारी रेडियस पहले 4 थी अब 5 हो गई, पहले 4 से कितना हमारा एरिया निकल रहा है और 5 से हमारा कितना एरिया निकल रहा है, उसमें क्या चेंजेज आ रहा है वो हमें निकालना है। तो देखिए 4 से अगर हमारी 4 है रेडियस तो क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 पाई हो जाएगा। अगर हमारा रेडियस 5 है तो पाई मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 पाई हो जाएगा। तो हमारा एरिया में चेंजेस कितना आ रहा है, 9 पाई का आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 पाई का आ रहा है। किस पे आ रहा है वो, सबसे पहले हमेशा याद रखेंगे जो चीज़ ओरिजिनल है उसी पर हमेशा चेंजेज होता है, नीचे जो हमारे डिनोमिनेटर में आएगा हमेशा वो इनिशियल वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी, इनिशियल वैल्यू आएगी। अगर 16 पाई से 25 पाई हो रहा है तो हमारी नीचे क्या आएगा, 16 पाई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 का, पाई से पाई का आंसर, 4 से काट देंगे, 4 4 16, 4 से क्या कर देंगे इसे 25 बार, 25 पर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 का अगर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 225, कितना आएगा हमारा, 225 अपॉन 4, 4 से काटेंगे तो 4 225 आएगा, 25 का 9 में करते हैं एक बार देख लेते हैं कितना आएगा, 225 ही आएगा, कितना आएगा, 225 ही आएगा। अब हम 225 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 56.5%, कितना आ जाएगा हमारा, 56.5%। डिवाइड देखिए जल्दी, 4 से 5 जा जाएगा, 2 बचेंगे, 4 6 24, 56.5% इंक्रीजमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर आपके समझ में आई, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तब उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो उसकी आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। अब दो पहले सवाल तो थोड़ा हमारा बेसिक का, अब ये सवाल आ गया थोड़ा हमारा हाई का, ये बैंक में पूछा गया था, ये IBPS PO के एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल प्री में। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं है, जो हमारी परसेंटेज वैल्यू सबसे पहले उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 40% की क्या हो जाएगी हमारी, 2/5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। और 37.5% की क्या हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, 40% बढ़ा दी जाती है, क्या हो रहा है, प्लस हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, घटा दी जाती है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, हमारा जो बेलन होता है इस तरह का बेलन होता है, घर में देखा ही होगा आपने, इस तरह का बेलन होता है, इसका जो हमारा आयतन मतलब वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप एक चीज़ देखिए, पहले जो हमारा आर था वो कितना था, 5, और हमारा एच था कितना था, 8, एच था कितना था, 8। तो जो आर है वो बढ़ा दिया गया, 5 से कितना कर दिया गया, 7,
अब दूसरे हमारी कंडीशन में होगा आर जो होगा रेडियस होगी 5 तक कितनी कर दी जाएगी, 7 कर दी जाएगी, और जो हमारी हाइट है वो हमारी डिक्रीजमेंट कर दी गई है, कितनी कर दी गई है, 8 से कितनी कम कर दी गई, 3 कम कर दी गई है, तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बस सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखिए यहाँ हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच फर्स्ट कंडीशन में, तो पाई आर हमारा फर्स्ट कंडीशन में कितना है 5, दो बार 5 मल्टीप्लाई 5 गुणा एच, एच कितना है 8, तो हमारा हो गया 58 जब 200 पाई, कितना हो गया हमारा 200 पाई। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन में जो एरिया वो वॉल्यूम आ गया कितना आ गया 200 पाई आ गया फर्स्ट कंडीशन में। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में फॉर्मूला लगाएंगे पाई रेडियस तो बढ़ रही है 5 से 7 हो रही है मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई हाइट तो कम हो रही है 8 से 3 कम हो गई, कितनी हो गई 5, तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा 49 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 245 पाई, कितना आ जाएगा 245 पाई, पहले कितना था 200 पाई, अब कितना हो गया 245 पाई। इस बात को आपको समझ में आया नहीं आई ये बात, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले कितना था 200 पाई, अब कितना हो गया 245 पाई, डिफरेंस कितना है दोनों में 45 पाई का। मैंने आपको बताया था नीचे क्या आएगा इनिशियल कितना था 200 मल्टीप्लाई बाई 100, पाई से पाई कैंसिल, 100 से 2 बार कैंसिल, 45 से 2 काटेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 22.5% इंक्रीजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑप्शंस में क्या कहेगा आपसे, देखिए ऑप्शंस में क्या बोलेगा, 22.5 इंक्रीजमेंट, 22.5 डिक्रीजमेंट भी ऑप्शन में दे सकता है वो, तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ देखनी है कि 200 से कितना हो रहा है 225 हो रहा है, 200 से कितना हो रहा है 225 हो रहा है, तो इंक्रीजमेंट ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा इंक्रीजमेंट ही तो हो रहा है, 200 से अगर कम होता तो डिक्रीजमेंट हम बोल सकते थे। ऑप्शंस में आपको दोनों चीज़ देगा, ध्यान रखिए इस बात को, 22.5% इंक्रीजमेंट भी देगा और जानबूझ के वो 22.5% डिक्रीजमेंट भी देगा। बच्चे क्या होता है कभी कभी गलती में गलत कर जाते हैं इस चीज़ को, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, कितना खर्च करता है 75% वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है और वह अपनी व्यय में 10% की वृद्धि करता है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए सबसे पहले तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लें, 75% की क्या हो जाएगी 3/4, 20% की क्या हो जाएगी 1/5 और 10% की 1/10। अब आप एक चीज़ देखिए, सपोज केयर आपकी इनकम 4 रुपये है, आपकी इनकम जब 4 रुपये है 3 रुपये आप यदि उस पर खर्च कर रहे हैं तो आप सेव कितना कर रहे होंगे 1 रुपीज, कितना सेव कर रहे होंगे 1 रुपीज खर्च सेव कर रहे होंगे, ठीक है ये चीज़ आपके समझ में आई आई होगी उम्मीद करता हूँ। तो अब ये देखिए 75% की क्या होगी हमारी 3/4, 20% की 1/5 और 10% की 1/100, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए आप कि मतलब जो पहले हमारी 3/4 है, मतलब पहले जो इनकम थी 4, कितनी थी हमारी पहले इनकम 4 थी पहले इनकम, तो वो खर्च कितना कर रहा है 3 खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है 3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 1 बचा रहा होगा, इसको भी भूल जाइए। पहले उसकी इनकम कितनी थी, इनिशियल इनकम कितनी थी 4, वो खर्च कितना कर रहा है 3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 1। अब क्या कर रहे हैं, यदि उसकी आय जो उसकी वाली आय है 4, उसमें क्या कर देते हैं 20% की क्या कर देते हैं हम इंक्रीजमेंट कर देते हैं, तो 4 का 20% क्या होगा 1/5, 1/5 क्या होगा 0.8, तो क्या हो जाएगा 4.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा, जो उसकी अब इनकम हो गई कितनी हो गई 4.8 हो गई। अब क्या कर रहे हैं, और उसकी व्यय मतलब जो उसका एक्सपेंडिचर है उसको क्या कर रहे हैं 10% की हमारा इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, तो 3 का 10% क्या होगा 0.3, तो क्या हो जाएगा 3.3 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वो कितने रुपए बचा रहा होगा 1.5 बचा रहा होगा, जब 4.8 में से 3.3 माइनस करेंगे तो कितना बचा रहा है 1.5 बचा रहा है। एक बात और देखिए 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/4, मतलब उसकी जो इनकम है 4 है खर्च 3 कर रहा है तो बचा 1 रहा है। अब क्या कर दी इनकम 20% बढ़ा दी तो इनकम कितनी होगी 4.8, उसका जो खर्चा बढ़ा दिया 10% बढ़ा दिया तो उसका खर्चा कितना होगा 3.3, तो अब वो कितने बचा रहा हो 1.5 बचा रहा होगा,
बस सवाल खत्म हो गया। तो क्या कर रहा है, उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात की। अब उसकी बचत एक से कितनी हो रही है, 1.5 हो रही है। तो इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, मैं 100 का नीचे कर दूं, तो 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 150। तो हमने यहाँ से दिख रहा है हमें उसकी बचत में कितनी की वृद्धि हो रही है, 50% की। कितनी की वृद्धि हो रही है, 50% की हमारी वृद्धि हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये चीज़। अगर आपको उम्मीद मेरा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है, यदि एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का निश्चित भाग बचाता है ताकि वह एक साल में एक कार खरीद सके, तो ज्ञात करें कि वह अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए कि वह उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। मतलब जैसे आप हो, ठीक है, आपने कोई सोचा कार खरीदने की सोची एक, ठीक है, तो आप उसके लिए हर महीने क्या करते हो, कुछ कुछ रुपये बचा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए 2-2 रुपये बचा रहे हो आप, ठीक है, तो आपकी कार कितने रुपए की होगी, 24 रुपए की होगी, क्योंकि आपको पूरे साल में ख़रीदनी है। तो आपने क्या करो, जितनी की कार होगी उसका 12 से डिवाइड करके आपने सोच लिया होगा कि मुझे हर महीने इतने रुपए बचाने हैं, ठीक है। पर सवाल कह रहा है कि वो कार उसे 9 महीने में ख़रीदनी है, अब उस क्या खरीदनी है, 9 महीने में ख़रीदनी है, तो वो अपनी बचत को कितना बढ़ा दे, मतलब उसकी जो बचत पहले जितनी कर रहा था उसको कितने रुपए बढ़ा दें कि वो कार खरीद सके, कितने परसेंट बढ़ा दे। तो सवाल बहुत अच्छा है, देखने में लैंग्वेज कठिन है पर सवाल को बहुत सिंपल कर दूंगा मैं। कैसे कर दूंगा, देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है, देखिए मान लीजिए कार 36 रुपीज की है, कितने रुपीज की है, 36 रुपीज की है, तो अगर वो 12 महीने में ख़रीदना चाहता है तो कितने रुपए बचाता, 3 रुपए बचाता हर महीने, कितने रुपए बचाता, 3 रुपए महीने बचाता वो, पर उसे कितने में ख़रीदना है, अब 9 महीने में खरीदनी है, तो वो कितने बचाएगा, 4 रुपए बचाएगा, कितने बचाएगा, 4 रुपए बचाएगा, तो बचा कितने रुपए ज़्यादा रहा है, वो 1 रुपए ज़्यादा बचा रहा है, नीचे क्या आएगा, इनिशियल कितना है, 3 × 100, तो आंसर हो गया 33.1/3%। बहुत अच्छा सवाल था और इसकी लैंग्वेज ही कठिन लग रही है पर सवाल कितना आसान है आप ये देख लीजिए। मैंने 36 ही क्यों लिया, आप सोच सकते हैं मैंने कार का प्राइस 36 ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने ऐसा कॉमन वैल्यू ले ली जिससे 12 और 9 का डिवाइड हो जाए, 12 और 9 का डिवाइड हो जाए। आप कुछ और भी ले सकते हैं, आप 72 भी लेके देख लीजिए, आप कुछ भी लेके देख लीजिए जिससे आप पर आपको वही चीज़ लेनी है जो आपका डिवाइड हो जाए, आप ले सकते हैं कुछ भी, मगर सवाल हो जाएगा कठिन। हमें तो वही चीज़ लेनी है ना जो हमारा सिंपल पड़े, एग्जाम हमें किसे करना है, सिंपल तरीके से। आप इस सवाल को ओरली कर सकते थे नहीं कर सकते थे बताइए, आप ओरली कर सकते थे क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इसे ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की जो हमारी खपत है 20% क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो कुल खर्च में कितना चेंजेज आएगा वो बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे परसेंटेज के तो आपने ये सवाल जरूर देखा होगा, मॉक टेस्ट में अगर आपने लगाए होंगे तो जरूर ये सवाल आपको जरूर देखने को मिला होगा। बहुत अच्छा सवाल है, जरूर एग्जाम में जरूर एक ना एक नंबर का सवाल इस तरह का आ जाता है। देखिए कैसे करेंगे सवाल को, बहुत आसान तरीके से करूँगा मैं इस सवाल को भी। देखिए चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ रहा है, मतलब 1/6 हो गई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और परिवार की खपत कितनी कम हो रही है, 20%, मतलब 1/5 क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए प्राइस लिख लिया यहाँ पे, मैंने प्राइस लिख लिया और कंजक्शन लिख लिया, यहाँ पे क्या हो गया कंजक्शन, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए प्राइस कितना था पहले, मान लीजिए प्राइस कितना था, 6 रुपीज पर केजी आ रही थी चीनी, कितने रुपये आ रही थी, 6 रुपीज पर केजी आ रही थी, और वो कंजक्शन कितना कर रहा था, 5 केजी का, कितना कर रहा था, 5 केजी का कंजक्शन कितना था, 5 केजी का हो रहा था, ठीक है। 6 रुपये प्राइस था, कंजप्शन हो रहा था 5 केजी का, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 30 रुपीज का, 6 रुपये किलो चीनी है, 5 रुपये किलो खरीद रहा है, तो कितनी खरीद रहा है वो, 30 रुपये की चीनी खरीद रहा है। अब क्या हुआ, चीनी का मूल्य क्या हो गया आपका, बढ़ गया, कितना हो गया, 6 से कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7 हो गया, तो प्राइस उसको खरीदने की उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब खरीदने की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 5 से कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई, कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई, तो हमारी कितनी खरीदेगा वो, 4 किलो खरीदेगा। अब कितने खरीदेगा, 4 किलो खरीदेगा, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, 6 रुपये प्राइस था पहले, 5 किलो चीनी खरीद रहा था, 30 रुपये खर्च कर रहा था, प्राइस बढ़ गया, 7 हो गया, कब
कम चीनी खरीदेगा, चार खरीद ली उसने, 5 से कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई, तो 28 रुपये। अब पहले 30 रुपीज़ खर्च हो रहे थे, अब कितने खर्च हो रहे हैं, 28, तो कितने कम खर्च हो रहे हैं, 2 रुपये कम खर्च हो रहे हैं, कितने कम खर्च हो रहे हैं, 2 रुपये कम खर्च हो रहे हैं, किस पर, 30 पर। मैंने आपको बताया हमेशा नीचे क्या आएगा, इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100, इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या है हमारा 2/30 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 से काटो 10 30 30, 10 से 10 बार, 10 दूनी क्या हो गया 20/3, तो कितना आ गया 6 होल 1/6%। हमारा आंसर क्या होगा, 6 होल 2/3% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 होल 2/3%। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आएगी ये चीज़। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और देखिए ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप इससे कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। अगर आपका फ्रैक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट अगर सही है, अच्छा है, परसेंटेज आपकी अच्छी है, तो अब ये मान लीजिए आपने 50% अर्थमेटिक अच्छी कर ली अपनी, तो आपको ये वीडियो शुरू से देखनी, अगर जिसने नहीं देखी है पार्ट फर्स्ट से, तो पार्ट फर्स्ट से जाकर देखें, जिससे मैं आपको क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिनेमा हॉल की टिकट, ये सवाल भी बहुत आता है, सिनेमा हॉल की टिकट में बिक्री में 57.12, पहले हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लें, सबसे पहले हमारा काम क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू, तो क्या है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 4/7, बहुत बार बताइए, ये क्या हो रही है हमारी, बढ़ जाती है, तथा मूल्य भी क्या होता है, 2/3% बढ़ जाता है, तो 1/6, मतलब पहले कोई इंसान क्या होता है, 4/7 टिकट खरीद रहा है, कितने 7 टिकट खरीद रहा है, और पहले मूल्य कितना था, 6, कितना मूल्य था पहले, 6 रुपये मूल्य था, तो कितने रुपए खर्च करेगा, 42। अब वही इंसान 7 से कितना 4 ज़्यादा हो गया, 11 टिकट खरीद रहा है, और मूल्य क्या हो गया हमारा, दाम भी क्या हो गया, बढ़ गया, कितना होगा, 6 से कितना होगा, 7 हो गया प्राइस, तो कितने रुपए खर्च करेगा, 77। ये चीज़ आपको समझ में आया होगी, पहले क्या था, 7 टिकट खरीद रहा था, कितने रुपए से, 6 रुपए से, तो कितने रुपए खर्च करेगा, 42। अब कितने हो गए, 7 से 4 बढ़ गया, कितने खर्च, कितनी टिकट खरीद रहा, 11, और कितने रुपए बढ़ गए, 7 रुपये हो गए, तो कितना होगा, 77, तो कितना डिफरेंस हो गया, यहाँ से 77 का कितना हो गया हमारा, 7 में से 2 गए 5, 35, कितना हो गया, 35, किस पर, 42 पर, गुणा 100, 5 से काट दो, 7 से काट दो, 7 5 या 32, 500/6 हो गया, 500/6 हो गया, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, क्या आ गया हमारा, 500/6, जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा, 83 होल 1/3% आएगा, क्या आएगा, 83 होल 1/3% आएगा, क्योंकि 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 83 होल 1/3% होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ जाने से एक व्यक्ति 800 रुपये में, ये सवाल आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है, 25% की क्या आ गई, कमी आ गई, मतलब आप सपोज करिए जैसे आपको मार्केट में मम्मी ने चीनी लेने खरीदा, क्या खरीदा, चीनी लेने खरीदा, और चीनी का रेट था 10 रुपये किलो, क्या था, 10 रुपये किलो चीनी का रेट था, तो आप क्या ले आए, 1 किलो चीनी ले आए, कितनी चीनी ले आए, 1 किलो चीनी ले आए, पर क्या हुआ, अचानक से रेट में क्या हो गई, कमी आ गई, रेट हो गया 8, पर आपने दिए दुकानदार को 10 रुपये, तो वो आपको 1 किलो चीनी तो देगा, प्लस कुछ और भी तो देगा, 100 ग्राम 200 ग्राम जितनी भी देगा, कुछ और देगा, तो ये चीज़ इस सवाल में हुई है, इस सवाल में क्या हुआ है, 25% की कमी आ गई, तो वो 800 रुपये में पहले जितनी चीनी ला रहा था उससे 4 किलो ज़्यादा ला रहा था, तो पूछ रहा है नया मूल्य और वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, तो जो हमारा ओरिजिनल रेट था चीनी का वो निकालना है, और जो हमारा रेट हमारा जो हुआ है वो निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 25% की वैल्यू क्या हो गई, 1/4, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे ओल्ड प्राइस, यहाँ लिख लेंगे न्यू प्राइस, ठीक है। ओल्ड प्राइस क्या था, 4 था, कितना था, 4 था, तो और न्यू प्राइस कितना हो गया, 4 से 1 कम हो गया 3 कम हो गया। जब ओल्ड प्राइस 4 था, न्यू प्राइस 3 था, जो हमारा क्वांटिटी थी वो कितनी हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी, तो क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो हमेशा प्राइस की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है क्वांटिटी, प्राइस की इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होती है, क्वांटिटी होती है, जो हमारा प्राइस है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होती है, हमारी क्वांटिटी होती है, मतलब पहले 4 रुपये प्राइस था तो कितनी, मतलब पहले 4 रुपये प्राइस था तो वो कितनी खरीद रहा था, 3 किलो,
अब 3 रुपये प्राइस था तो ज़्यादा खरीदेगा तो कितनी खरीदेगा, 4 किलो खरीदेगा। ये बात आपके समझ में आई? जो हमारी प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है क्वांटिटी का। जैसे जैसे आपका प्राइस कम होगा वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्राइस आपका ज़्यादा होगा वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पहले प्राइस 4 था तो कितनी खरीद रहा था, 3 किलो। अब प्राइस कितना हो गया, 3 किलो, कम हो गया तो कितनी खरीदेगा, 4 किलो। यहाँ तक आपके पास समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। तो अब देखिए, अब हमारा जो हो गया, कितनी ज़्यादा खरीद रहा है वो, कितनी ज़्यादा खरीद रहा है, 3 से 4 ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। कितनी ज़्यादा खरीद रहा है, 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, वो उनके अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा खरीद रहा है, 4 किलो। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 के बराबर। किसके बराबर हो गई, 4 के बराबर। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 12 के बराबर, और 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 16 के बराबर। समझ में आई यहाँ तक आपको बात? हमारी जो क्वांटिटी है 1 किलो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 1 किलो बढ़ गई। तो 1 किलो जब क्वांटिटी बढ़ गई तो हमारी क्वांटिटी 4 बढ़ गई, 1 के बराबर 4 हो गई, उनके अकॉर्डिंग 4 बढ़ रही है, हमारे अकॉर्डिंग 1 बढ़ रही है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4। तो जो पहले वो 3 किलो खरीद रहा था तो अब कितनी खरीदेगा, 12 किलो, क्योंकि 3 4 12। पहले 12 किलो खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है वो, 16 किलो खरीद रहा है। कितनी खरीद रहा है, 16 किलो खरीद रहा है। तो जो पहले 12 किलो खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है, 16 किलो। अब रुपये कितने थे, 800 कितने थे, 800 रुपये थे। तो 800 डिवाइड 12 करेंगे तो पहले जो मूल्य था हमारा निकल के आ जाएगा, पहले नया मूल्य निकल के आएगा। और जो हमारा 800 डिवाइड 16 करेंगे तो जो नया मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 800 डिवाइड 16 करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और 800 डिवाइड 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 66.6% आ जाएगा। तो जो हमारा मूल्य था पहले कितना था, 66.6 था, और अब जो मूल्य हो गया वो 50 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार और देखिए, 25% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो पहले वो 4 खरीद रहा था, तो 4 खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है, 3। पहले मूल्य था 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो चीनी कितनी खरीदेगा, पहले 3, अब कितनी खरीदेगा, 4। तो हमारा जो चेंजेज आ गया, 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, किसके बराबर, 4 किलो के, 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू 12, 4 की वैल्यू किसके बराबर, 16। तो 800 डिवाइड बाई 16, तो वो कितनी खरीदेगा, 50 रुपये। क्या होगा, चीनी क्या होगी, 50 रुपये। पहले कितनी थी, 800 डिवाइड 12, पहले कितनी थी, 800 डिवाइड 12, तो कितनी थी, 66.6 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा सवाल। इस दूसरे तरीके से और देखिए, सेकंड तरीका, जो हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है 25%, उसका हम 800 का 25% निकाल के वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 किलो के। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम क्या करेंगे, 800 का क्या निकाल देंगे, 25%, वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो ये हमारा आ जाएगा रिड्यूस प्राइस, क्या आ जाएगा हमारा, रिड्यूस प्राइस। जो भी दे रखो 25%, जो भी वैल्यू दे रखी है उसका उतना परसेंट निकाल के जो हमारा ज़्यादा खरीद रहा है, कम खरीद रहा है, उसके बराबर रख देंगे, वो आ जाएगा हमारा रिड्यूस प्राइस। तो 2 0 से 2 0, 25 8 कितना हो गया हमारा, 200। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 200, और 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 50 के बराबर। तो ये हमारा आ गया 50 के आ गया रिड्यूस प्राइस, जो हमारा पहले निकल के आया था, हमने पिछली बार ट्रिक से करा तो क्या आया था, 50 आया था। अब क्या करेंगे, हमें न्यू प्राइस निकाल, हमारा ओल्ड प्राइस निकालना है। क्या निकालना है हमें, ओल्ड प्राइस, जो पुराना प्राइस था। अब तो नया प्राइस है, 50 रुपये कम होने के बाद जो ओल्ड प्राइस था कितना था, उसको क्या करेंगे, 50 को हम नीचे लिखेंगे, और जो नीचे क्या लिखेंगे हम, जो हमारा कमी आई है उसको 100 में से घटा देंगे। कितनी हो गई, 100 - 25 कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75 गुणा 100, इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 से 10 बार कट जाएगा, 5 से 15 बार कट जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 66.6। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करा मैंने, 825% किसके बराबर हो गया, 4 के। तो हमारा ये आ गया न्यू प्राइस आ गया, जो हमारा कम हो गया है, और हमने ओल्ड प्राइस निकाला तो 50 ऊपर आ गया, 100 में से 25 कटा के 75 नीचे आ गया, गुणा 100, 66.6। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज हमारे कितने पार्ट हो गए, 8 पार्ट। कितने पार्ट हो गए हमारे, 8 पार्ट। इसका कल कौन सा आएगा, नवा पार्ट आएगा। पार्ट कौन सा आएगा, पार्ट 9 आएगा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि आपके शेयर से मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी ट्रिक्स और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊँगा, और जल्दबाजी में नहीं कराऊँगा, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके कराऊँगा। जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम कराया था, आपको क्लियर कर दिया, इसी तरह से परसेंटेज भी क्लियर कर दूँगा। जब आपका परसेंटेज क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका प्रॉफिट लॉस चलेगा, वो भी आपका पूरा क्लियर होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को पूरा देखें, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं शाम को कैलकुलेशन के पार्ट 3 से, आप उस वीडियो को भी जरूर देखा करें।
क्योंकि हर एक सवाल में कैलकुलेशन होती है, और आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स कुछ पता है तो आप जल्दी से सवाल को कर सकते हैं। तो इसलिए वो वीडियो भी देखते जाइए, और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।